तो पीएम मोदी के साथ होने वाली इस बैठक से पहले तमाम नेता दिल्ली आज पहुंच जाएंगे, कुछ नेता कल भी पहुंचेंगे। इस बैठक पर पूरे देश की पैनी निगाहें हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी श्रीनगर से आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आसिफ, अब तो सियासी स्थिति साफ है, सभी दल लगभग इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अभी भी एजेंडा जो है इस बैठक का वो साफ नहीं है। बिल्कुल, देखिए बैठक का की दावत और बैठक की दावत को कबूल करके वहां पे जाना, ये केवल इस राजनीतिक जो उथल-पुथल थी उसकी उसमें नई पारी की शुरुआत है। आने वाले दिनों में किस तरीके की करवट ये राजनीतिक पहल लेती हैं वो देखते ही बनेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष फिलहाल, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से साफ है कि जो भी फैसले 5 अगस्त 2019 को लिए गए थे वो अपनी जगह पे मौजूद है, अब उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। जबकि जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं, चाहे उसमें जो नेशनल पार्टीज हैं या फिर रीजनल पार्टीज हैं, उनका भी सबका यही मत है बीजेपी को छोड़ के कि जो भी फैसले 5 अगस्त 2019 को लिए गए थे उनको रिवर्ट करके जम्मू कश्मीर को पहले जैसी हालत में लाया जाए और उसके बाद ही राजनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। यानी जो बैठक में नतीजे सामने आएंगे वो आने वाले दिनों की राजनीति की जो क्या सीमित रहती है, क्या लाइन रहती है वो तय करेगी। भले ही इसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और फिर से चुनाव की बात हो, लेकिन उसमें अभी भी बहुत समय बाकी है, क्योंकि अभी परिसीमन हुआ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के लोग इस समय भी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और यहाँ पे विभिन्न डिप्टी कमिश्नर से मिल रहे हैं। जो परिसीमन कमीशन है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उसकी मियाद जो है 2022 तक बढ़ा दी गई है। यानी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो आने वाले दिनों में काफी लंबा भी खींच सकता है, लेकिन एक राजनीतिक पहल हो गई है जिससे अल्पविराम में जम्मू कश्मीर की जो राजनीति पिछले 2 सालों से पड़ी है उसमें एक नई जान आ गई है और सभी राजनीतिक दल खुल के सामने आ रहे हैं। भले ही इसमें विवाद हुए हो, महबूबा मुफ्ती की तरफ से जिस तरीके के बयान कल बोले गए, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अलगाववादियों की रिहाई और उनके साथ भी बातचीत करने की फिर से वकालत की। अब किस तरीके से बैठक के दौरान वो ये सारे पॉइंट्स रखते हैं और उस बैठक के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की तरफ से आती है वो आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी जम्मू कश्मीर की किस समझ जाती है। विकास, बिल्कुल, देखिए और अभी वक्त है इस सब पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि जब तक परिसीमन नहीं हो जाएगा तब तक चुनाव भी संभव नहीं है। ऐसी सूरत में महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान वाला बयान निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन पीएम के साथ इस तमाम दलों की बैठक, नेताओं की बैठक पर हमारी पैनी नजर रहेगी। आसिफ, आप बने रहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।